Hello, hello, hello. Yes, Gloria? What? गोखले, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, ये प्रेमा जी का फोन है। हाँ, लाइन दो, लाइन दो। हाँ, यस प्रेमा जी। कहिए कहिए, इस नाचिस को कैसे याद किया? केशव जी, एक्चुअली मैंने आपके बॉस मिस्टर शर्मा के लिए फोन किया, लेकिन ऑपरेटर ने कहा कि वो आउट ऑफ टाउन गए हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। अच्छा, मतलब मेरे बॉस आउट ऑफ टाउन गए इसलिए आप मुझसे बात कर रही हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनीवे कीजिए। केशव जी, वैसे कहाँ गए हैं मिस्टर शर्मा? शर्मा का बच्चा। नहीं, वो बनारस गए हैं। बनारस? बनारस? Why? उनकी पान की दुकान है ना वहाँ। पान की दुकान? नहीं, हमारी ब्रांच ऑफिस है ना वहाँ, तो उस ऑफिस को संभालने के लिए गए। फिर तो प्रॉब्लम हो गई। शर्मा यहाँ ना होने से आपको प्रॉब्लम कब से होने लगा प्रेमा जी? नो केशव जी, ऐसे कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज आपके बॉस मिस्टर शर्मा मुझे अपने किसी दोस्त से मिलाने वाले थे। ये शर्मा का बच्चा खुद तो खुद अपने दोस्तों को भी प्रेमा जी पर लाइन मारने की दावत दे रहा है। किस लिए प्रेमा जी? उनके दोस्त मुझे एक बंगला देने वाले हैं। किस लिए? शूटिंग के लिए? Come on केशव जी, रहने के लिए। मतलब प्रेमा जी आप वहाँ रहने चली जाओगी? मतलब आप किसी और की पड़ोसन बन जाओगी? जाहिर है। गोखले, गोखले में लुट गया। मैं बर्बाद हो गया। मेरा नन्ना सा चमन उजड़ गया गोखले। शर्मा वो भी मेरे को ऐसा सवाल कभी नहीं पूछता। हाँ, उसको बोलो सेठ आ गया। बोलो शर्मा। ए यू मिस्टर इडियट। वेलकम है सर सेठिया, वेलकम। ये बात हुई ना, किधर है तुम्हारा मिस्टर शर्मा, उसको बुलाओ। वो किसी अर्जेंट मीटिंग से बनारस गए हुए हैं। क्या गया? बनारस। बनारस इटले के सर। नहीं तो बैठा, मैं सुबह से हूँ। मेरे को पता ना तुम्हारा प्रेमा साले नहीं आने वाला था, उसका क्या हुआ? मैं फोन करती हूँ अभी। करो करो करो, जल्दी करो। हेलो प्रेमा जी। हेलो। हाँ हेलो प्रेमा बहन। आई एम सॉरी प्रेमा जी, कैसे आप? हाँ ठीक, आप इधर आएंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा ना। हाँ, मुझसे देखा नहीं जाता, ये सुना नहीं जाता, फिर भी सुनना तो पड़ेगा। आ रहे आप? कितनी देर में आएंगे? तरत आ रही? अच्छा अच्छा, मैं इधर बैठा हूँ। भले भले, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ, वो बोले इधर बैठने के लिए। हाँ, हाँ, आप चलिए, मैं आपको लेके चलूँ जी। गोखले मेरे दोस्त, मेरे यार। हाँ? ये ले, ये ले, नहीं ये तो 50 है, ये ले 5 रुपये और कहीं से अच्छा सा जहर ला के दे। इतने में कुछ नहीं होगा। ऐसा प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। लेकिन मरते तो है ना। अरे ना तुम डरोगे ना तुम मरोगे, चलो उस सेठिया की कल्ली काटते हैं। श्री कृष्ण सेठिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सेठिया साहब। सेठिया साहब, बुरा मत मानो। नहीं, मैं काहे को बुरा मानेगा। नहीं आगे सुनो। हाँ जी। प्रेमा शालिनी जी को बंगला देकर आप पछताओगे। अरे कुछ समझ में आवे जैसी बात करो ना, तुम सब लोग उल्टा काय को बोलता है। अरे सेठिया साहब, आप मेरी बात समझो, ये जो प्रेमा शालिनी है ना, आपको बंगले का एक पैसा नहीं देगी, बड़ी चालाक है। अरे गांडा जैसी बात मत करो, प्रेमा शालिनी से पैसा लेने के लिए मेरा दिमाग फिर गया क्या? मतलब? अरे देखो, पैसा देगा तुम्हारा शर्मा जी। देखो मैं बोलता हूँ तुमको, शर्मा जी मेरे को बोला वो खरीदेगा बंगला मेरे पास से और प्रेमा जी को। क्या हुआ? नहीं मत। शर्मा जी बोला मेरे को पैसा मेरे को देके बंगला खरीदेगा और प्रेमा जी को प्रेजेंट दे देगा। अच्छा अच्छा। आगे आगे। अभी तुम्हारा शर्मा जी गया बनारस, अभी हम प्रेमा जी को बोलेगा कि हम बंगला प्रेजेंट करता है, यानी कि शर्मा जी का पैसा और प्रेमा जी का प्रेम। धंधे की बात है ना बाबा। ठंडा पीजिए सेठ जी, ठंडा पीजिए। थैंक यू। मैं क्या बोलूं? कुछ भी बताइए, ये ऑफिस आपको कैसा लगा, यहाँ के लोग आपको कैसे लगे, वगैरह वगैरह कुछ भी। हाँ, और मुझे प्रेम करके या लटका देगा? मुझे कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल लगता है। What?
एक्चुअली मैं मिस्टर सेठिया से मिलने आई हूँ, बताइए ना मिस्टर सेठिया कहाँ हैं? ओके आप पहले हमें ऑटोग्राफ देंगे। प्लीज नो टाइम। प्लीज प्रेमा जी। ओके थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। थैंक यू जी। थैंक्स अ लॉट। आप बताइए सेठे साहब कहाँ हैं? हाँ चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, वो गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। ओके बाय। ये बता गोखले आजकल लकड़ियों का भाव क्या चल रहा है? पता नहीं क्यों मेरे क्रियाकर्म के लिए चाहिए। ऐसी अशुभ बातें कर रहे हैं केशव। गोखले मेरे नन्ने से चमन को बचा ले। आप अपना बंगला मुझे मुफ्त में दे रहे हैं क्या? अरे नौकर चाकर के साथ। नो 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 सेठे साहब, मैं कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेती, बाद में मुझे बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा चलो आपकी मर्जी, रखने के लिए ना आप मेरे को एक चवन्नी दे देना बस। चवन्नी? हाँ मतलब मेरा ये पौने नौ रुपया पूरा हो जाएगा ना। फिर कब आएंगे आप? कहाँ? बंगला देखने। अभी तो मैं शूटिंग पे जा रही हूँ, शाम को आपको फोन करके आऊंगी। जी अच्छा, मैं आपका फोन के ऊपर इंतजार करेगा। तुम्हें जाओ शूटिंग। प्रेमा जी मैं आपका टाइट क्लोज लेता हूँ। स्टार्ट सॉन्ग। कैमरा क्लैप 75 टेक 1 एक्शन। मैं इस छोटे से घर से तंग आ गई हूँ, इस चार दीवारी में मेरा दम घुटता है, मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। गुड बाय। प्रेमा जी नहीं, आप इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप इस तरह सीन में क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं? मैं सीन में इन्वॉल्व नहीं हो जाता हूँ, मैं आप में इन्वॉल्व हो जाता हूँ प्रेमा जी। आप क्या कर रहे हैं? प्रेमा जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये क्या कर रही है? क्या मैं शूटिंग कर रही हूँ? नहीं आप इस फ्लैट को छोड़कर क्यों जा रही है प्रेमा जी? वो तो कहानी में ऐसा है। नहीं मैं असली फ्लैट की बात कर रहा हूँ, आप असली फ्लैट को छोड़कर उस सेठिया के बंगले में रहने के लिए क्यों जाती है प्रेमा जी? प्लीज केकु जी आप खामखा परेशान हो रहे हैं, पहले मैं बंगला देखूंगी, फिर दिल को बंगला दिखाऊंगी, फिर हम बातचीत करेंगे, फिर मैं थोड़ा सोचूंगी, फिर बंगले में जाऊंगी। केकू जी मस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं कितनी बड़ी स्टार हूँ, तो कभी ना कभी तो वो छोटा सा फ्लैट छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा बंगले में, और मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। गोखले गोखले अब क्या करें? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। आइडिया आइडिया गोखले, उस सेठ के बंगले को आग लगा दे। कोई फायदा नहीं। क्यों? आग बुझने से पहले ही वो प्रेमा जी को दूसरा बंगला बांध के दे। भगवान ऐसे लोगों को सेठ क्यों बनाते हैं? केशव हाँ तुम सेठिया से एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? कोई फायदा नहीं गोखले, कोई फायदा नहीं, तुम तो जानते हो सेठ कितनी चालू चीज है, और वैसे भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आइडिया केशव आइडिया। हाँ बोल बोल। तुम प्रेमा जी से जाकर कह दो कि उस बंगले में भूत है। भूत? केशव जी आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं प्रेमा जी मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे उस बंगले में इतना बड़ा भूत रहता है, और इसलिए कई सालों से उस बंगले में कोई आदमी नहीं रहता। मैं नहीं डरती। लेकिन आपको डरना पड़ेगा। आप क्यों नहीं डरती प्रेमा जी? क्योंकि दुनिया में आदमी से ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं। आपका शॉट रेडी है, आपका शॉट मैं जानती हूँ मेरा शॉट क्या है, नहीं मालूम होगा तो दादा से पूछूंगी, तुमसे नहीं। प्रेमा जी प्रेमा जी गोखले प्रेमा जी चली गई। अरे वो तो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती, डरती भी नहीं। डरेगी जब वो आज रात उस बंगले में किसी भटकती हुई रूह को देखेगी तब। लेकिन रूह किसकी भटकेगी? इस नाचीज गोखले की। रघु, अरे भाई रघु क्या चली गयो ले रघु? अरे प्रेमा बेन प्रेमा बेन प्रेमा जी आवानी से क्या गया इधर सब तैयारी करने का छोड़ के? रघु ए भाई रघु। अरे अरे धीरे से बात करो, काहे को डराता है मेरे को? देख प्रेमा जी आने वाला है, सब तैयारी कर लिया कि नहीं? सारी तैयारी हो गई है साहब। बस खाना होना लगाना बाकी है। देख खाना बना लगाने का काम मैं करेगा, तुम अपने रूम में जाके बैठो बस। लेकिन ये तो हमारा काम है साहब, इसे मैं करूंगा। तू मेरा काम मैं करूंगा बाबा, तुमको पगार मिलेगा ना? जा बेसवंद जा जाता। अरे
केशव जी हाँ। केशव हाँ, आपने मुझे डरा दिया। नहीं। वो वॉचमैन अभी मैं वॉचमैन कौन वॉचमैन अरे अभी जिस वॉचमैन ने गेट खोला वो कहाँ गया माँ जी गेट तो कब का खुला पड़ा है नहीं अभी वॉचमैन ने गेट खोला मेरे सामने खोला जी मैंने आपसे कहा था ना ये भूत बंगला है यहाँ मत आइएगा मैं तो कहता हूँ आप अभी वापस चली जाओ नहीं आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं डरा नहीं रहा हूँ प्रेमा जी खैर अगर आपको बंगला देखना ही है तो देख सकती है आप कहाँ जा रहे हैं मैं तो बस यूं ही कहीं चला जाऊंगा नहीं आप भी मेरे साथ अंदर चलिए ना बंगला देखने मैं चलूं आपके साथ हाँ अगर आप कहती हैं तो चलता हूँ वैसे भी आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है थैंक यू गाड़ी में बैठता हूँ अरे आओ आओ प्रेमा बेन आओ बिबेन प्रेमा जी आओ आपका इंतजार कर करके मैं तो बुढ़ा हो गया आओ आओ ए भाई तुम बाहर ठहरो मैं इनके साथ साथ में मेरे साथ है ये आपके साथ है हाँ। आना पड़ेगा चलो चलो कोई बात नहीं घर देखो हमारा बंगला देखो आओ 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 अंदर आओ आओ प्रेमा बेन कैसा लगा हमारा बंगला आपका हॉल तो बहुत बढ़िया है अरे हमारा बेडरूम देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे बेडरूम अभी नहीं नहीं क्यों मैं बहुत थकी हुई हूँ शायद मैं सो ही जाऊँ अब ऐसा करो इधर बैठो मैं आपके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करके आता हूँ बैठो बैठो नहीं इट्स ऑलराइट इट्स ऑलराइट आप नाश्ता पानी लेके टेक योर ओन टाइम यू कैन गो केशव जी जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस हॉल आई कांट बिलीव इट अच्छा है ना अच्छा है अरे क्या खाक अच्छा है भूत बंगला है भूत बंगला केशव जी दरवाजा देखो प्रिया जी दरवाजा दरवाजे की तो बात कर रही थी मैं अपने आप खुल रहा है अपने आप खुल रहा है बाजू हटो बाजी आपके घर में कोई और भी रहते हैं नहीं केम अरे क्या केम वो दरवाजा देखा अपने आप खुल गया हाँ वो हवा केम हमारे बगीचे में बहुत हवा चलता है अच्छा लेकिन यहाँ तो बाल भी नहीं हिल रहा है ए बाबा तुम अंदर जाए नहीं बेचार प्लेट ले आओ जाओ नहीं हाँ तमे नौकर नहीं है ना घर में तो जाओ नौकर नहीं ओए ये शर्ट देखा 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 ओए ये घड़ी देखी केशव जी ये कह रहे हैं ना प्लेट ले आइए प्लेट ओके प्रेमा जी एनीथिंग फॉर यू लेकिन बी केयरफुल जाओ ने बाबा भी जाओ ने आपके बंगले में कितने कमरे हैं मेरे 20 कमरे हैं 20 ये सेठिया भी कमाल मुझे नौकर बना दिया इतने अच्छे कपड़े पहने उसकी कोई वैल्यू नहीं गोखले यार तुमने तो मुझे डरा दिया कैसा हम यहाँ डरने के लिए नहीं बनाने के लिए आए हैं ओके ओके रिलैक्स यार मुझे क्यों डरा रहे हो दरवाजे का आइडिया कैसा था अच्छा था यार लेकिन तुमने वो दरवाजे को खोला कैसे इससे आहिस्ता से धक्का दिया अरे गोखले तुम्हें तो प्रेतात्मा होना चाहिए था यार जाओ कहाँ बाहर जाओ अब मैं लाइट्स बंद करने वाला हूँ लाइट्स बंद गुड आइडिया लेकिन कैसे करोगे यू हाथ ये सब फोटो है ना हमारे बाप दादा का फोटो है सब दादा नहीं ये दादी प्रेमा जी किचन किचन बाद में केशव जी किचन किचन में प्लेटें उड़ रही है और चम्मच दौड़ रहे हैं मैं बात बोल रहा एक पागल आदमी लगता है मेरे को हाँ नहीं नहीं ना नहीं इसकी बात वो बिलाड़ी का काम होएगा मैं बोल रहा हूँ ना आप बिलाड़ी का काम है सब ऐसा डरने का नहीं हाँ लेकिन एक बात बोलो प्रेमा जी आप इस बंगले में आए ना तो इधर चार चांद लग गए हाँ चार चांद लगने के साथ ही बत्तियां बुझ गए डरिए मत प्रेमा जी मैं इधर ही खड़ा हूँ आपके नजदीक अरे खड़ा मत रे बाबा मोमबत्ती जला नहीं मोमबत्ती जला क्या मोमबत्ती जलाओ मैं अपनी जेब में मोमबत्ती लेकर घूमता हूँ क्या बाजार में जाके मोमबत्ती लेके मोमबत्ती अपने आप चली आ रही है टहलते टहलते सुनो सुनो भाई
तुम लोग डरने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं, अपन देखेंगे क्या हुआ है। हमारे पीछे पीछे आ जाओ तुम लोग, पीछे पीछे। अरे पापा कौन छे, कौन छे तुम्हें? मैं हूं साहब रघु। अरे फिर काय को भूत के माफी घूमता है तुम? तुमके बोला ना रूम में जाके बैठो करके। मैंने देखा कि बंगले की रोशनी चली गई है, इसीलिए मैं मोमबत्ती लेकर चला आया। अच्छा किया, अभी सारे 19 कमरे में जाके 19 अगरबत्ती, नहीं अगरबत्ती नहीं, मोमबत्ती जला। ठीक। प्रेमा जी वापस चलते हैं, चलिए वापस चलते हैं। नहीं केशव जी, मैं बंगला देखने आई हूँ, बंगला देखे बिना मैं नहीं जाऊंगी। कैसी है सेठिया? वो सेठिया देखा, ये सब देखकर तुम्हारे दादाजी भी कांप उठे। देखिए प्रेमा जी देखिए। नहीं नहीं, अरे नहीं, तू मेरे को बोला ना मैंने हवा का झोंका है ना, फोटो हिल गया रहेगा। इतनी हवा क्यों चल रही है? चलती है बाबा, क्या करेंगे। देखो प्रेमा जी, प्रेमा जी अब बिल्कुल घबराने का नहीं, एकदम घबराने का नहीं। हाँ मैं इलेक्ट्रिक वाले को फोन करके अभी आता हूँ। घबराने का नहीं, जल्दी आना प्रेमा जी। मैं तो कहता हूँ यही एक अच्छा मौका है कहीं भाग चलने का, मतलब इस भूत बंगले को छोड़ के जाने का। चलिए प्लीज चलिए। केकू जी आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहाँ डर रहा हूँ, मैं तो खुद डर रहा हूँ। आप डर रहे हैं? कुर्सी घर में इतनी सारी कुर्सियां, अंधेरे में कैसे देखू मैं? कुर्सी अपने आप खिसक रही है, देख लो जगह जगह कुर्सी अपने आप खिसक रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, कुर्सी अपने आप तो नहीं खिसक सकती। केकू जी मैं केकू जी मैं खिसक गई। अरे वाह अच्छा पुतला है। गोखले, ये गोखले, वो कुर्सी तुमने कैसे खिसकाई? वो तो काले धागे का चमत्कार था। कहां से ये सब आइडियाज निकालते हो यार? तुम्हें तो भूत प्रेत की ट्रेनिंग स्कूल खोलनी चाहिए। ये पकड़ो। क्यों? ये क्या नया आइडिया? हाँ तो बराबर है, लेकिन मैं सच्ची बात बोलता हूँ तुमको प्रेमा बेन, प्रेमा जी इधर कोई भूत भूत नहीं है। आई नो यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, मैं भूत में नहीं बिलीव करती, लेकिन फिर ये फालतू मजाक हमारे साथ कौन कर रहा है ये पता लगा। ये दीवार पर जूतों के निशान, ये बा, ए, अरे ये तो मेरे जूते का निशान है। आपके? हाँ आप दीवार पर चल सकते हैं? हाँ नहीं नहीं, क्या था पहला मेरा इधर पलंग रहता था। तो नहीं बारिश के दिन मैंने मेरे को ऐसे दीवार पे पैर रख के सोने का आदत था। नहीं वो 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 20 साल पहले की बात है। लेकिन ये जूतों के निशान तो 20 साल बाद के लगते हैं। 20 साल बाद? मुझे लगता है केशव प्रेमा जी को डराने के लिए इतने चमत्कार काफी है। अरे इतने सारे चमत्कार से तो असली भूत भी भाग जाता। हाथी को क्यों हिला रहा है? ये हाथी तो मैं ये हाथी मैं थोड़ी हिला रहा हूँ, मेरे हाथ तो तुम्हारे हाथ में है। कौन हिला रहा है? कैसे देखो कौन हो भाई? मैं भूत हूँ। भूत? अब हम दोनों को क्यों डरा रहे हैं? अब नीचे जाकर प्रेमा जी को डराइए ना। मैं उसे नहीं डराऊंगा। क्यों? मैं प्रेमा शालिनी पे मरता हूँ। क्या कहा? फिर से कहा श्रीमान जी? ये कौन है? ये मेरी श्रीमती जी है। मैं लोगों की गर्दन पे बैठता हूँ,
ये मेरी गर्दन पे बैठती है। शर्म नहीं आती? प्रेमा शालिनी को यहाँ रखना चाहते हो? मैं उस चुड़ैल को इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। मगर चुड़ैल तो तुम हो। मैं चुड़ैल हूँ और तुम संबंध हो। तुम संबंध हो। केशव जी की आवाज से दोबारा चीख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये केशव जी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हवा का झोंका होगा। ऐसे घबराने का नहीं, बिल्कुल घबराने का। मैं किधर घबरता हूँ। मैं भी इलेक्ट्रिक वाले को फोन करके आया, बे मिनट में लाइट आ जाएगा। अभी हमारा मिशन कामयाब हो गया। कांग्रेचुलेशंस। अरे लेकिन वो भूत का जोड़ा हमारा पीछा कर रहा है, उसका क्या? घबराइए मत। कौन रघु? तुम? हाँ। अरे तुम भी भागो, वो भूत का जोड़ा हमारा पीछा कर रहा है। हाँ। वो लोग असली भूत नहीं है, तुम्हारी तरह नकली भूत है। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं नहीं चाहता कि इस बंगले में कोई और आकर के रहे। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी और दामाद के लिए बंबई शहर में रहने की जगह नहीं है। वो देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं। गोखले केशव।